अभी सभी तर्जुमा उसका मैंने अर्थ किया है। मगर तर्जुमा सुनते ही एक सवाल जहन में ये आता है, ये रसूल और इक्तदा करें सैयदुल मुरसलीन और इक्तदा करें, इमामुल अंबिया और इक्तदा करें। आज तक किसी इमाम ने अपने मुक्तदी की इक्तदा की? मगर कुरान तो यही कह रहा है, इक्तदा की तारीफ अगर आप खुद करें और लोगत में जाकर इक्तदा के मानने की तलाश करें, उसमें यही तो आप पाएंगे कि एक शख्स जो अपने अफाद और अमाल में दूसरे की मुआफ़त करता है, तो मुआफ़त करने वाले को आप मुक्तदी कहते हैं और जिसकी मुआफ़त की जाए वो मुक्तदा कहलाता। कुरान तो इतने वासे लफ्ज़ों में कह रहा है पैरवी करो इनकी, क्या मतलब? हजरत आदम की भी पैरवी करो, हजरत नूह की भी पैरवी करो, हजरत खलील की भी पैरवी करो, हजरत कलीम की भी पैरवी करो, हजरत ज़बीह की भी पैरवी करो, हजरत मसीह की भी पैरवी करो, जो आ चुके सब उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फबे हुदा हुम मुक्तदे। ए मेरे महबूब, तुम इन सारे अंबिया की पैरवी करो। दोस्तों, मैं ये कह के आगे बढ़ जाता और सिलसिले कलाम को मुनक़ता यही कर देता कि भाई बात सीधी सी है, पैरवी करने का हुक्म है। जाहिर है कि जो गुजर चुके हैं आने वाला उनकी पैरवी करे, सीधी सी बात है। मगर हम ये देखते हैं ये इक्तदा वाला तस्वुर हमारे इजमाई ईकानी अकीदे से मुतसादिम नजर आ रहा है। बात यहीं तक होती तो हम कुछ कहकर कह के आगे न बढ़ते, मगर उधर अल्लामा बूसीरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं वकुल लहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर व रजफम मिनल दयमी। सारे अंबियाए किराम जो है अल्लाह के रसूल से मुल्तमिस और मुल्तजी है, इल्तिजा करने वाले हैं, इल्तिमास करने वाले हैं। सब रसूल की बारगाह में आकर के क्या मांग रहे हैं? गरफम मिनल बहर, बहर रिसालत का एक चुल्लू मांग रहे हैं, अपने कर्म के चंद छींटे मांग रहे हैं। तो मांगने वालों की इब्तिदा कैसे की जाए? मांगने वालों की इब्तिदा करने की क्या सूरत? बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती कि ये तो एक आशिक की बोली थी, एक सूफी की बोली थी, एक चाहने वाले की बोली थी। हम तो ये देख रहे हैं कि इमाम बैहकी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम की आवाज को अपने किरदार में महसूस कर लिया है। इन्ना अकरम खलीफतुल्लाह अलल्लाह अबुल कासिम, जितने खुलफा फिल अर्द है सब में सबसे बुजुर्ग खलीफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये सहाबी रसूल की बोली है, ये अल्लाह के रसूल के सहाबी की बोली है। और उसके बाद बात यहीं पर नहीं खत्म हुई कि ये रसूल ही की बोली है, हम और आगे इसकी कोई तौजीह और तावील का रास्ता निकालते, मगर हम तो रसूल को खुद ये कहते हुए सुन रहे हैं इन्नमा अना काफी वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूँ, खुदा देने वाला है, कुछ कैद नहीं है, कोई कैद नहीं। क्या बांटने वाले हैं, किस जमाने में बांटने है, किसको बांटने वाले हैं, कितना बांटने वाले हैं, कोई कैद नहीं है। मैंने सोचा कि लाओ मुकय्यद करें, मगर नस ये कह रही है कि जब मैंने मुतलक रखा है तो तुझे मुकय्यद करने का क्या हक है? बांटने वाले को रखा जाए,
देने वाला कादिर है, जो चाहे जिसको दे दे, क्या जरूरत है कि बीच में एक हो। मगर मैं तो सोचता हूँ कितनी तुम जरूरत समझोगे, कितना समझाओगे। देने वाला वाकई कादिर है, इन्नल्लाहु कुल्ले शयइन कदीर, हर चाहे पर कादिर है। मगर उस कादिर की सुन्नत कदीमा तो देखो, हिदायत देने पे कादिर है मगर बिला वास्ता नहीं देता, कुरान देने पे कादिर है मगर बिला वास्ता नहीं देता, तौरे से इंजील देने पे कादिर है बिला वास्ता नहीं देता, मार्फत देने पे कादिर है बिला वास्ता नहीं देता, नजात देने पे कादिर है बिला वास्ता नहीं है। अरे नादान, कुदरत देता है सलाहियत अपनी नहीं देता, अपनी सलाहियत नहीं देता, वो देने पे कादिर है। इसको अच्छी तरह से समझ लो भाई, मैं तो एक बहुत ही देहतानी छोटी मिसाल दिया करता हूँ। अगर आप पूछे क्या जरूरत की बात करने वाले की, क्या बनाने की मर्जी है ना, खुदा के बारे में इस्तेमाल करना ही गलत है कि उसने ऐसा क्यों किया। ले युसाल अम्मा यफाल, वो कादरे मतलब जो चाहे जिस तरह से चाहे करे, तुम्हें ये पूछने क्या हक है उसने ऐसा क्यों किया। उसने जब दुनिया बनाई तो क्या क्यों बनाई, जब मिटा देगा क्यों मिटा देगा, हश्र कायम होगा क्यों किया, तो इस तरह क्यों का दायरा मुख्तसर नहीं होगा। मगर दोस्तों उसमें कुछ मसलहत नजर आती, महबूबियत के रमज को कोई क्या समझे, मोहब्बत के अंदाज को कोई क्या समझे। मैं थोड़ी देर के लिए मिसाल अर्ज करूं, ये इतना अजीम शान प्रोग्राम है, ख्याल ये कीजिए कि आपके मौलाना जो उस्ताद था हसन भी ने इस प्रोग्राम का इंतजाम किया अपने रुफ़ा और अपने आवान के ताउन से। फर्ज कर लो ये इनका प्रोग्राम, उसके बाद फिर इन्होंने एक काम और भी किया। मैं ऐसी मिसाल दूं जो छोटे से जहन में भी उतर जाए आसानी से। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करेंगे जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम कुछ लड्डू तकसीम करेंगे। इस लड्डू तैयार करा रखे हैं बहुत से, मगर इस मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाद में आप लड्डू मिसाल है दिल में उतारने के लिए। तो लड्डू इन्होंने तैयार कर रखे समारोह का थीम करने के लिए, मगर उसके बाद हुआ कि जलसा खत्म हो गया तो मौलाना बैठे हुए हैं और उसके बाद कहते हैं सारे तथ्य भी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तारीख नई साहब और सहमत वो सब साथ उठाएंगे, उस संताप चले जाएंगे। कारी मुस्तफा अनवर साहब आप भी जन्मत कीजिए, ये सब तश्न उठाइए और उस संताप चले जाइए। हमारे आप भी थोड़ी सी जन्मत कीजिए, ये सब ये उठाइए उधर चले जाइए। मुख्तलिफों ने एक शख्स को दे दे करके तीनों ने हर दिशा में पहुंचा दिया। यही तो तरीका होता, ये अपनी जगह बैठे हुए और तस्त लेकर लोग इधर उधर पहुंच गए। अब मैं तुमसे इंसाफ से पूछता हूँ कि अगर वाकई तुम्हें लड्डू चाहिए तो हाथ इधर उठेगा या उधर उठेगा। जो तुम्हें बांट रहे हैं हाथ उधर उठेगा, मैं लड्डू लेने की बात कर रहा हूँ, दुआ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लड्डू लेने की बात है, अगर आप लड्डू लेना चाहेंगे तो किधर आपका हाथ उठेगा, आ गएंगे बांटने वाले की तरह। यही तो हुआ, अरे भी हुआ क्या, रब तबारक व तआला सब कुछ तकसीम करने पर कादिर, और जब उसने हिदायत के लड्डुओं को तकसीम करना चाहा तो कहा ए नूह तुम वहां लेके पहुंच जाओ, ए इब्राहिम तुम वहां लेके पहुंच जाओ, ए आदम तुम वहां लेके पहुंच जाओ। किसी को कौम मदीन में भेजा, किसी को कौम समूद में भेजा, किसी को कौम आद में भेजा, किसी को बनी इसराइल में भेजा, महदूद वक्त में भेजा, महदूद जमाने के लिए भेजा, जाओ तकसीम करो हिदायत के लड्डुओं को। अब अगर किसी को हिदायत मिलेगी तो इसी दर से मिलेगी, अब इन्हीं अंबियाए किराम के दर से मिलेगी। अब आप वो सोचते रहिए, तो अब देखो वहां अगर तुम्हें लड्डू लेना है तो उधर ही से लो जो बांट रहे, मगर कोई सर किराए इंसान ये सोचे कि हम तो मौलाना गजनवी साहब से डायरेक्ट लेंगे,
मौलाना हम आपसे डायरेक्ट लेंगे। बेवकूफ, अगर मुझे डायरेक्ट देना होता तो मैं इन बांटने वाले को क्यों देता? मैं खुद ही ना उतराता, मैं खुद ही ना बांटना शुरू कर देता। आपको समझने की बात है, मैं चाहता क्यों कि दौलत मेरी हो, धन इनका हो, खजाना मेरा हो, चौखट इनकी हो, मैं ये चाहता हूँ। मगर आप यहाँ ये ना सोचे, ये तो बहुत नुकसान की बात होगी। नुकसान की बात ये हो गई कि भाई अब तो सब लड्डू के लिए उधर हाथ बढ़ाएंगे, मेरा उधर ही लग जाएगा। फौजे अजमेरी के हम मेरा लग गया, वैसे जीरानी के हम मेरा लग गया, आकाए के हम वक्त के हम मेरा लग गया, सरकार नसलों के हम मेरा लग गया। लड्डू लेने के लिए सभी दौड़ रहे, मगर असल देने वाले के लिए क्या हुआ? मौलाना गजनवी साहब तो असल मोती है, असल देने वाले हैं, तो इनको क्या मिला? तो मैं एक बात अर्ज करूं कि ठीक है, लड्डू तो आपको वहां से मिला, मगर जब आप खाते हुए जाएंगे तो बांटने वाले के बारे में कुछ न कहेंगे। इतना अच्छा लड्डू बनाया, इतना अच्छा लड्डू बनाया, तो तारीफ होती है। मालूम हुआ हाथ बढ़ता है उधर, दिल झुकता है इधर, हाथ बढ़ता है उधर, दिल झुकता है इधर। मतलब समझ लो तो बात तय हो जाए कि जो देने वाला है उधर सर झुकाओ, जो बांटने वाला है उधर हाथ उठाओ। जो कहता है
पैदा हुआ था कि ये रसूल और इब्तिदा करे, ये रसूल और पैरवी करे, ये बात तो समझ में नहीं आती, मगर अपने दिल को मैं तस्कीन देकर आगे बढ़ सकता था। अगर बात सिर्फ उलमा के अखबार और इरशाद तक महदूद रह जाती। दोस्तों, इतने असाकिर की और आप मुझे आवाज दे रहे हैं और हजरत अबू हुरैरा की ये रवायत पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल की बात आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बेहतरीन औलादे आदम में 5, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत कली, हजरत मसीह और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 जो है बेहतरीन औलादे आदम में। कहते वह खैर मोहम्मद, और इन 5ों में भी सबसे बेहतर मोहम्मद बेहतर। और फिर इब्तिदा करें, बात वहीं पर सोचते चले जाइए, बात यहाँ पर भी खत्म नहीं। तबरानी औसत में, बुखारी तारीख में, बैहकी और अबू नईम अपनी अपनी किताबों में हजरत जाबिर से रवायत कर रहे हैं। और क्या रवायत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना कायदुल मुर्सलीन वला फा, वाना खातमुल मुर्सलीन वला फा, मैं सारे रसूलों की कयादत करने वाला हूँ। इस फखरिया नहीं कहता हूँ, मैं सारे रसूलों को खत्म करने वाला हूँ, मैं खातमुल नबी हूँ, खातमुल मुर्सलीन हूँ। ये मैं कुछ फखरिया नहीं कह रहा हूँ, ये हकायक है जिनका इजहार फराइज़े नबूवत में। वो रसूल जिसे सैयदुल मुतवाज़ईन कहें तो चले, वो रसूल जो दर्द जो तवाज़ो का दर्द दे रहा हो, मगर तवाज़ो का दर्द देने वाला रसूल, इनके सारी का सबक सिखाने वाला रसूल, किब्र से उठने वाले सबों को झुकाने वाला रसूल, कभी कह रहा अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहा, अरे कायदुल मुर्सलीन वला फा, मैं मुर्सलीन का कायद हूँ। एक सवाल यहाँ पैदा हुआ, खाने में क्या है? सवाल ये पैदा हुआ कि कायद कौन होता, कायद कौन होता है? कायद एक इंसान अपने जमाने के लिए हो सकता है या बाद वालों के लिए हो? पहले वालों के लिए कैसे कायद होगा? है कोई ऐसा लीडर जो अपने पहले वालों की लीडरी कर रहा हो? कयादत या तो अपने जमाने वालों के लिए होती है और या अपने बाद वालों के लिए होती, मगर रसूल कह रहे हैं कि नहीं, मैं कायदुल मुर्सलीन हूं। बाद यानी जो मुझसे पहले, जिनको तुम मुझसे पहला समझते हो, उनकी भी मैंने कयादत की है। ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाने की जरूरत का कहा कि ताकि खातमुन नबीन के माना से धोखा न खाए, खातमुन नबीन का माना ये न समझ ले कि मैं सिर्फ आखिर हूँ अव्वल नहीं हूँ, मैं अव्वल भी हूँ आखिर भी हूँ। अव्वल ऐसा कि जब मैं था तो कोई नबी न था, और आखिर ऐसा कि जब मैं हूँ तो किसी की जरूरत न रहे। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिरती मंजिले तय कर रहे थे। पूछा गया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस, मैं वजबत लकन नबुव्वा, हुज़ूर बताइए आपको नबुव्वत कब मिली? मगर मिलने का सब वजबत कब वाजिब हुई, कब लाज़िम हुई, कब सिफत गई? नबूवत लाजिम, लफ्ज लाजिम वाजिब इसलिए इस्तेमाल किया ताकि कोई ये ना सोचे कभी निकल भी गए। जो चीज लाजिम होती है मलजूम से जुदा नहीं होती, जो चीज लाजिम होती है मलजूम से जुदा नहीं होती। सूरज हो रोशनी ना हो, चांद हो चांदनी ना हो, दरिया हो रवानी ना हो, फूल हो महक ना हो, बुलबुल हो चहक ना हो, मोती हो महक ना हो, मोहम्मद अरबी हो नबी ना हो, महबूब आपको नबूवत कब लाजिम हो गई? तो हुजूर कहते आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम रूह जसद ही में थे। ये
बात मैं अर्ज करूंगा, अभी हजरत आदम अभी बशर बने ही नहीं था, और बशर क्या अभी मुझे समय बसरी भी नहीं बना था, मगर मेरा रसूल क्या था, नबी। हुजूर की एक हदीस है, इन्नल्लाह इत्तखज़नी अबदन क़ब्ल अन यत्तखज़नी नबीया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाने से पहले अब्द बनाया। और इस हदीस ने क्या बताया, कुन्तो नबीयौ व आदमु बैनल माए व तीन, बहुत बारीक नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा इसको, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलों में थे। रवायत के अल्फाज मुख्तलिफ है, अल्फाज कुछ भी हो हासिल सब कहें, मैं उस वक्त नबी था, कब जरा था हिसाब लगाओ, पहले आप फिर नबी फिर बशार फिर रसूल। पहले जब पैदा किया तो आप, और फिर पैदा करके बनाया नबी, और नबूवत उसी बच्ची की अभी बशर नहीं बने थे, अभी मुझे समय बसरी में नहीं आए थे, तो पहले क्या थे आप, फिर नबी फिर बशर और आखिर में साहिब किताब होकर रसूल। तो नबूवत मुकद्दम है, रिसालत मुअक्कर है, हजरत आदम से पहले मेरे नबी की नबूवत है, और हजरत मसीह के बाद मेरे रसूल की रिसालत है। अब सारे अंबिया इसी नबूवत और रिसालत के बीच में फराइज नबूवत अदा कर रहे हैं। जरा सब इतने बताओ, फिर जरा फिर गौर करो, पहले आप फिर नबी फिर बशर फिर रसूल, क्या मतलब? हमारा मामला दूसरा, हम पहले बशर है फिर कुछ है, पहले बशर है फिर मौलवी, पहले बशर फिर सूफी, पहले बशर फिर आलिम, पहले बशर फिर दो रेजवे, पहले बशर फिर फलसफी, पहले बशर फिर कुछ, मगर मेरा रसूल पहले बशर नहीं, बशर से पहले नबी, और नबी से पहले आप। तो मामला ये है कि अगर मेरे रसूल से बिलफर्ज रिसालत छीन लो तो तीन चीज बाकी रहती है, अबदियत नबूवत बशरियत, बशरियत छीन लो तो दो चीज बाकी रहती है, अबदियत और नबूवत, और नबूवत छीन लो तो अबदियत रह जाती है। और हमारा हाल ये है, बशरियत छीन लो तो कुछ ना रहेगा, रसूल की बशरियत और है, हमारी और है, हमारी हकीकत है, उनका लिबास है। हमने कहा
सा तुम भी छटाई कर लो। अबू जहल के कुफ्र को अलग रखो, उसके शिर्क को अलग रखो, उसकी बुराइयों को अलग रखो, सिर्फ बशरियत को निकाल दे। कभी तो कह दो कि हम अबू जहल की तरह तुम्हारा रब नहीं, तो सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने कहा था बाला।
फिर सारे अरवाह बोल पड़े बोला अगर कायदुल मुसलिम। वहां उन्होंने कयादत की तो मैं ये सोच रहा था कि वहां कयादत करने वाला यहाँ इब्तिदा कैसे करे। यहाँ तो बात वही चल रही है इब्तिदा वाली। क्या बात और आगे में बात आगे बात होती है कि तिर्मिजी शरीफ की हदीस हमारे सामने आई हजरत अब्बास उसके राली। अरे खैहुम नफ्सम व खैहुम मैता, मैं सारी मखलूक में जात के एतबार से भी अफजल हूँ और घराने के एतबार से भी अफजल। حضرت عائشہ رامی حضور فرماتے ہیں سید المرسلین، میں سارے رسولوں کا سردار اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے قرآن انسان فرماتا دل کر وہ فلو فاطمہ نے بعد عمر آباد منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات، درجہ بلند ہونے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ابتدا کرے۔ سوال اپنی جگہ پر، یہ یقانی اجماعی مسئلہ ہمارا ہے، اگر کوئی رسول کو افضل المرسلین نہ مانے تو کافر، اگر کوئی رسول کو سب سے افضل نہ مانے تو کافر، انتا افضل المخلوقات نہ مانے تو کافر، ذرا سا سوچو خاتم المرسلین نہ مانے تو کافر۔ اچھی طرح سے سوچتے چلے جاؤ، کوئی کچھ ایک ایک لفظ کے اوپر اور اس لفظ کے معنی کے اوپر کیسا اجماع واقع ہو گیا، کیسا اجماع واقع ہو گیا۔ مگر دوستو پھر بات اپنی جگہ پر آتی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی، تو مفسرین کرام نے یہ ہدایت فرمائی، مفسرین کرام نے یہ اشارہ فرمایا، ارے تم نہیں جانتے کہ نبیوں کی ہدایت کا مطلب کیا ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے انبیاء کو کمالات و صفات حمیدہ کا جامع بنا دیا ہے، شکر نوح، خلت ابراہیم، صبر ایوب، حضرت کلیم اور حضرت ہارون کے معجزہ تو آیا، حضرت مسیح کا دم مسیحائی، یہ سارے وہ کمالات ہیں جو یہ سارے وہ انوار ہیں جس سے ہم نے انبیاء کو آراستہ کر دیا ہے۔ تو اے محبوب ہم نے ان انبیاء میں جتنے کمالات بکھیر دیا ہے سب کو اپنی ذات میں سمیٹ لیجیے، سب کو اپنی ذات میں سمیٹ لیجیے، یہاں ابتدا نہیں کرنا ہے مقتدا بننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے بعد میں تفسیر خازن کی ایک عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ وسوسہ ڈالنے والوں کے سامنے بھی کوئی تحفہ رہے۔ ثم ان اللہ امر نبیہ ان یقتدی بہم وجمع له جمیع الخصال المحمودۃ المتصرفۃ فیہم فثبت بهذا البيان انه افضل الانبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال المحموده التي كانت متفرقه في جميعهم۔ اللہ نے اپنے نبی سے ابتدا کی بات کی اور تمام وہ کمالات جو سارے انبیاء میں منتشر تھے اسے رسول کی ذات میں جمع کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ وضاحت ہو گئی کہ میرا رسول جو ہے وہ افضل الانبیاء ہے، اس لیے کہ تمام کمالات اور تمام صفات جو سارے انبیاء میں منتشر تھے وہ پیکر محمدی میں سب جمع ہو گئے۔ یہ نہیں تو اتنے ہی نہیں جمع ہوئے، وہ سب جمع ہو گئے، اس سے زیادہ اور کیا دیا، یہ میں کیا بتا سکتا ہوں۔ دارند تو تنہا داری، چند فکروں میں جب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ جب خدا کو منظور ہوا جلووں کو بکھیر دیا، جب خدا کو منظور ہوا جلووں کو بکھیر دیا، جب منظور ہوا تو سمیٹ لیا، جب چاہا مفصل بنا دیا، جب چاہا مجمل کر دیا،
ये उसकी कुदरत है, चाहे इजमाल में रखे चाहे तफसील में रखे। तफसील करता है तो 1,24,000 अंबिया नजर आते हैं, इजमाल करता है तो पैगंबर मोहम्मदी नजर आता है। इजमाल करता है तो पैगंबर मोहम्मद नजर आता है। जन्मों को बिखेरता है, जन्मों को बिखेर दिया, सितारों की अंजुमन तैयार हो गई, जन्मों को बिखेर दिया, चांद सूरज के चराग जल गए, जन्मों की बिखेर दिया, अर्श कुर्सी की बेपना सतह पैदा हो गई, जन्मों को बिखेर दिया, हुस्ने यूसुफी की क्षमा जल पड़ी, जन्मों को बिखेर दिया, दमे मसीहाई का एजाज नमूदार हो गया, जन्मों को बिखेर दिया, यदि पैदा की चमक नमूदार हो गई, जन्मों को बिखेर दिया तो ये सब कुछ हो गया। जब समेत दिया तो पैगंबर मोहम्मद ही बन गया, जब समेत दिया तो पैगंबर मोहम्मद ही बन गया, समेत दिया तो बीज हो गया, फैला दिया तो दरख्त हो गया, समेत दिया तो बीज हो गया, फैला दिया तो दरख्त हो गया। बीज भी असर है, दरख्त उसकी तफसीर है, बीज असर है, दरख्त उसकी तफसीर है। तो देखो इसीलिए हम समझते हैं, बात समझ में आ गई, किसका देखो बीज तो पहले ही था ना, उसके बाद जब तना शाखे डालियां पत्तियां फूल और फल, और फिर उसके बाद हमने जब फल को लाग किया फिर वही बीज, फिर वही बीज। अरे हमने इसको तो जमीन के अंदर रखा था, ये ऊपर कैसे हो गया, ये कौन से रास्ते से आया, ये कौन सा रूट था, ये कौन सी रवि थी, ये कौन सी सहरा थी। मैंने तना से पूछा, ये तना इसी रास्ते से तो गया होगा, तो मुझे पता नहीं है, ये डालिया तुम बताओ इसी रास्ते से तो गया, पता नहीं है, देखो जा रहा उसी रास्ते से। अरे उस रास्ते से नहीं जाएगा तो कहीं तक पहुंचेगा कैसे, जा रहा है उसी रास्ते से मगर पता किसी को नहीं। तो मालूम हुआ कि ला इल्मी ये अदम की दलील नहीं है, ला इल्मी ये अदम की दलील नहीं है। अगर मेरे रसूल का वजूद तुम्हारी समझ में ना आए तो जहालत है, ये समझ में ना आए तो जहालत है। इसे मेरे रसूल के वजूद का हक नहीं है, वो आया रास्ते से, अपनी शाहराह से आया, अपनी रवी से आया, अपनी शराब से आया और आता चला गया, देखा किसी ने नहीं। तो मैंने कहा वो बीज ऊपर वो बीज नीचे, बहुत हैरान में था, वहाँ एक राज मुझे समझ में आ गया, होगा लवर होगा आखिर। बीज ने कह दिया मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ, मैं ही पहले हूँ, मैं ही आखिर हूँ। मगर एक बात और बीज ने समझाई, देखो जब मैं अंदर था तो तन्हा था, जब मैं अंदर था तो तन्हा था, और जब बाहर आया तो हर फल के आगोश में आया, हर फल के आगोश में आया, यानी जब जमीन के अंदर था तो वहदत का कमाल लिए हुए था, जब बाहर आया तो कसरत का जमाल लिए हुआ, कसरत का जमाल लिए, जब अंदर था तो बेहिजाब था, जब बाहर आया तो फलों के हिजाब में आया, जब बाहर आया तो फलों के हिजाब में आया। जहां था बहुत सफरो, अब फल में ये तो जरूर होगा कि ये फल छोटा है फिर बड़ा होगा, कच्चा है फिर पक्का होगा, मगर फल के बाद किसी और का इंतजार न करना, अब ये फल आखिरी है, इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा। वो दूसरे बेवकूफ है जो आखिरी के बाद भी किसी का इंतजार करे। बेशक में आखिर है, नबूवत में जाहिर है, हकीकत में बातें।
کفاروں مشرکین نے بھی جان لیا, ایسا ظاہر نبوت میں ایسا ظاہر کہ پتھروں نے جان لیا, ایسا ظاہر درختوں نے جان لیا, جانوروں نے پہچان لیا, سنگریزوں نے پہچان لیا, ریگستان کے ذروں نے, ایسا ظاہر اور ایسا باطن سے اکبر نہ پہچان سکے, فاروق اعظم نہ پہچان سکے, جبرائیل و میکائیل نہ پہچان سکے, اسرافیل و عزرائیل نہ پہچان سکے, آدم و نوح نہ پہچان سکے, خلیل و کلیم نہ پہچان سکے, حضرت مسیح نہ پہچان سکے, خدا کے سوا کوئی نہ پہچان سکا, تو ظاہر ایسا کہ ساری دنیا پہچان لے اور باطن ایسا کہ جو رہے ساتھ وہ بھی نہ پہچان سکے, جو خلوت و جلوت میں ساتھ رہے وہ بھی نہ پہچان سکے. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا, کسی نے نہیں پہچانا, رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. اب جو کہے میں نے پہچانا سمجھ لو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک ہے سبب, ایک ہے نسب.
ये سبب کیا ہے اور نسب کیا ہے؟ رسول کی سے تعلق کی دو قسمیں، ایک تعلق ہے اختیاری اور ایک تعلق ہے غیر اختیاری۔ رسول سے اختیاری تعلق یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں عمل کریں، ایمان و عمل کے ذریعہ جو تعلق ہے وہ اختیاری ہے، اس کا نام ہے ثواب۔ اور خونی رشتے کی وجہ سے جو تعلق ہے اس کا نام ہے نسب۔ اور نسب کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے کسی نسب والا نہیں ہو رہا، یہ تو فضل الہی ہے، یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ تو خدا کی عنایت ہے۔ سبب میں تو اپنا اختیار چلتا ہے، سبب میں ایمان و عمل کی جہاں تک بات ہے تو میاں جہاں تک اپنے اختیار والا تعلق کی بات تھی، ایمان و عمل والی بات تھی وہ بھی منقطع نہیں ہو سکتی، اور جو نسب والے ہیں وہ بھی منقطع نہیں ہو سکتے۔ سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، رسول کا نسب منقطع نہیں ہوگا۔ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، رسول کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ ارے وہ نادان نہیں تھے، وہ 313 وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے 313 وہ نادان نہیں تھے جو اپنے بچے کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھائی کے مقابلے میں ہے، کوئی بھتیجے کے مقابلے میں ہے، کوئی چچا کے مقابلے میں ہے، کوئی ماموں کے مقابلے میں ہے، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ ان 313 سے پوچھو کیا ہوا۔ ارے بھائی سے لڑتے ہو، بیٹے سے لڑتے ہو، بھتیجے سے لڑتے ہو، بھانجے سے لڑتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ہم رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں۔ ارے یہ رشتہ آج ہم نہیں کاٹیں گے تو موت تو کاٹ ہی دے گی، کیوں نہ ہم ہی کاٹ دیں اگر یہ رسول کے نہیں ہے۔ رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر صاحب کرام بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں، بھانجے کو قتل کر سکتے ہیں، بھائی کو قتل کر سکتے ہیں، رات کو سمجھ لیا تھا کہ رسول سے متعلق ہو جاؤ یہی تعلق ختم نہیں ہوگا، باپ اور بیٹے والا تعلق تو ختم ہو جائے گا۔ کلو سببین و نسبین منقطعون، تو اور رسول کے نسب کی شرافت سے ایک بات کہوں گا جو سارے علماء کی تحقیق کا نچوڑ، بہت بحث لوگوں نے کی اور بہت بحث کرنے کے بعد تحقیق کیا ہے، اور تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ سادات پر کفر نمیرن، رسول کی نسب والا یعنی سید حسنی الحسینی فاطمی الناس، جس کو آپ سید کہتے ہیں، سید کفر پر نہیں مر سکتا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں اگر کفر سرزد بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو خوب بات کرنے کا ارادہ فرما دیا، وہ ارادہ کرے تو کون توڑ سکتا، وہ جب پاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون توڑ سکتا؟ تو تعداد پر کفر نمیران، کوئی سید کفر پر نہیں مر سکتا۔ مگر اگر کوئی مشہور ہو، سید مشہور ہوتے نا، بڑی شہرت ہو جاتی، سید صاحب کئی کچھ سے مشہور ہے، اگر کوئی سید مشہور ہو، سید تیار اور مضبوط دلائل بتا دے، مضبوط دلائل، یقینی دلائل بتا دے کس کی موت کفر پر ہوئی، سمجھ لینا شہرت غلط تھی، راستے میں خیانت ضرور ہوئی ہے۔ نکاح خاص، لہذا مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
जनाजा देख सकता है, जनाजा उठा सकता, कुछ बेवकूफ जनाजा भी नहीं उठाते, चेहरा भी नहीं देखते, इतना तो कर ही सकता मगर हाथ नहीं लगा सकता। मगर हजरत अली से कहा जा रहा तुम लगाना। इसमें दो बात बताई, एक बात तो यही बताई कि पहले हजरत अली नहीं जाएंगे, पहले हजरत फातिमा का विसाल होगा। ये तो बाद वाली बात कैसे बता दी, बाद वाली बात कैसे बता दी। हजरत अली को यकीन भी हो गया, उन्होंने भी, और उसके बाद उन्होंने, हुजूर ने कहा, मैं सोचने लगा कि निकाह तो निकल जाता, निकाह टूट जाता तो हजरत अली हाथ कैसे लगाएंगे, जवाब मिलेगा सुनाओ ये वो रिश्ता है जो मैंने लगाया है, जो मौत से मुनकता नहीं होगा। ये तो रहा सबब नसब के एतबार से, और अब देखे दौलत हुकूमत के एतबार से, दौलत हुकूमत के एतबार से अगर देखना है तो हजरत सुलेमान पे नजर जाती, हजरत दाऊद पे नजर जाती। मगर सुनो जी, हजरत सुलेमान सारे परिंदों, दरिंदों, जिनों, इंसानों के बादशाह तो थे, नबी न थे। नबी सिर्फ इंसानों के, नबी सिर्फ इंसानों के थे, बादशाह होना और है, नबी होना और है। मगर मेरा रसूल तो सारी कायनात का नबी है। नबी होना और है और बादशाह होना और है, बादशाह होना और है, नबी होना, नबी की बादशाह तो बढ़ गई। और सुनो एक बात अर्ज करो कि जब मेरा रसूल सारी कायनात का रसूल है तो खुद हजरत सुलेमान भी उसके उम्मती, तो मुझे हजरत सुलेमान की हुकूमत न दिखाओ, ये तो मेरे रसूल की एक उम्मती की हुकूमत है। और एक बात अच्छी तो, और एक बात और भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत जो थी वो भी महदूद जमाने के लिए थी, नबूवत भी महदूद अफराद के लिए, महदूद वक्त के लिए, एक कौम के लिए, हुकूमत भी बादशाहत भी। मगर मेरे रसूल की रसालत, मेरे रसूल की रसालत महदूद जमाने के लिए नहीं, माजी के लिए भी है, मुस्तकबिल के लिए भी है, जमीन के लिए भी है, अर्श के लिए भी है, फर्श के लिए भी है, आसमान के लिए भी है, जमीन के लिए भी है। क्यों? इसलिए कि मेरे रसूल ने कहा मेरे दो वजीर हैं जमीन के और दो वजीर हैं आसमान के, जिब्राइल और मीकाईल आसमान के वजीर हैं, और हजरत सिद्दीक और फारूक जमीन के वजीर हैं। पता चला वजीर वही होगा ना जहाँ अपनी हुकूमत होगी। ऐसा थोड़ी है कि वजीर हो हिंदुस्तान का, रहे कहीं हो। तो मेरे रसूल ने बता दिया कि मैं आलमे गैब का भी रसूल हूँ और आलमे शहादत का भी रसूल हूँ, और आलमे शहादत का भी बादशाह हूँ, आलमे गैब का भी बादशाह हूँ। यहाँ वजीर है सिद्दीक और फारूक, वहाँ वजीर है जिब्राइल और मीकाईल। मैंने सोचा कि जब जिब्राइल और मीकाईल जैसा वजीर जिसके पास हो, जिब्राइल और मीकाईल जैसा वजीर जिसके पास हो, उसकी अजमत, उसकी हुकूमत, उसकी शान और शौकत हम क्या समझ सकते हैं और हम क्या उसे समझा सकते हैं। कुछ नहीं यूसुफ, धने ईसा, जदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन, तू तन्हादारी। वाकई दोस्तों मेरे रसूल की जिंदगी का मुतालिया करने वालों ने खूब देखा। आगे हम चलते हैं आया तो मौजूदात के लिहाज से, आया तो मौजज़ात के लिहाज से जब हम पहुंचे तो हजरत कलीम हमारे सामने आए। बहुत से मौजज़ात हैं, तो थोड़ी थोड़ी तशरीह में अर्ज करूंगा। देखो हजरत मसीह, अल्लाह अकबर, क्या शानदार मौजज़ा, क्या मौजज़ा था हजरत मसीह का। वजाहत फरमाइए, मुर्दे को जिंदा करना। भाई मुर्दा किसको कहते हैं? अरे ये जिसके रूह ना हो मुर्दा। तो इस माइक में भी तो रूह नहीं है, इसको भी मुर्दा है। और मैं कहूँ इस छड़ी में भी तो रूह नहीं है ना, इसको भी मुर्दा कहें। मुर्दा उसे नहीं कहते जिसमें रूह ना हो, मुर्दा उसे कहते हैं जिसमें रूह की सलाहियत हो और रूह ना हो।
और रोह ना हो वो मुर्दा ना, तो वो हजरत मसीह है जो निकली हुई रूह को पलटा रहे हैं, और ये हबीब है जो बेरूह कंकरियों में रूह डाल रहा है। हमारी लकड़ी को सुनते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर हमने तो रसूल की बारगाह में एक लकड़ी को रोते हुए भी सुना, एक लड़की लकड़ी को रोते हुए भी सुना। मैंने सोचा कि उसके दिल कहाँ, उसकी जुबान कहाँ, उसकी आँख कहाँ, कहाँ कुवते बोलिया आएगी, कैसे उसने सुन लिया, कैसे ये लकड़ी सुन ले, ये लकड़ी सुन ले, ये पत्थर देख ले, ये पत्थर बोल दे। जब हम ये कहेंगे तो उस वक्त क्या बोले ये पत्थर, अबू जहल के हाथ में आने वाली कंकरी कहेगी, देखो हमें सुनना तो नहीं आता मगर हबीब को सुनाना आता है, हमें देखना तो नहीं आता मगर हबीब को दिखाना आता है, हमें बोलना तो नहीं आता मगर हबीब को बुलाना आता है। जरा सा गौर तो करो। और एक जगह और भी मैंने देखा, हुजूर की बारगाह में एक बोटी पे यानी गोश्त का टुकड़ा रखा गया, उसमें से हुजूर ने एक गोटी उठाई। ये गज़वे खैबर का मौका है और वहाँ जहर आलूद वो गोटी थी, और जब उसने उठाया, उठा करके हुजूर ने नोश फरमाना था, बोटी बोल पड़ी, बोटी बोल पड़ी, ये अल्लाह के रसूल मुझे ना नोश फरमाए, मुझ में जहर है। मैंने बोटी से कहा कि तू क्यों बोल गई, क्या बोलने की जरूरत थी, जवाब मिलेगा। कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अल्लाह का रसूल न जानती हो, ये सरकस इंसान नहीं मानता, ये सरकस जिन नहीं मानता, बस यही दो टांग का जानवर, ये तू जो नहीं मानता सब मानते, यहाँ तक की बोटी भी मानती, बोटी भी मानती। मैंने कहा ए बोटी, सारी बोटियां मुर्दा और रसूल की हाथ वाली बोटी जिंदा। मैंने पूछा हाथ में पहुंचते ही जिंदा हो गई, ये कैसे तू जिंदा हुई? कहा मुझे देख रहे हो, हाथ को नहीं देख रहे हो, किस हाथ में मैं हूँ? अरे किस हाथ में, जब हाथ में पहुंची तो हकीकत बदल गई, जब पेट में गई होगी तो क्या बनी होगी? तो करो, लुकना हाथ में पहुंचता है तो जिंदगी आ जाती है। बोटी से भी मैंने पूछा, तुझे बोलने की ताकत कहाँ से? कहा ये मत पूछो, उनसे पूछो, उनको बुलाने की ताकत कहाँ से? जिसको चाहे बुलाते, वाकई दोस्तों बात हकीकत है। तुम बारगाह रसूल की तरफ दौड़ के देख लो, जी चाहे तो आज ही से दौड़ लगाओ, बारगाह रसूल की तरफ दौड़ लगाओ, पत्थर रुकावट नहीं बनेंगे, पहाड़ रुकावट नहीं बनेंगे, दरिया रुकावट नहीं बनेंगे, दरख्त रुकावट नहीं बनेंगे। हाँ अगर कोई रुकावट बनेगा तो दो टांग का जानवर बनेगा, दो टांग का जानवर। मैं ये नहीं कहता कि इस इलाके में कोई इस तरह का जानवर है, मैंने कहा खुदा करे कि ऐसे जानवर से आपका बर्तानी ही पाक हो जाए, मैं ये सब नहीं कहता। मैं किसी को क्यों जानवर कहने लगूंगा भाई, ऐसा लफ्ज किसी के लिए बोलने का मुझे क्या हक है? अब अगर कोई कल तुमसे कहे कि हमें जानवर कहा, कभी तुम्हारा तो नाम नहीं लिया, बाकी तुम कुछ ऐसे ही लगते हो, जमीन तो कम नाम आते खूबा हमादारान तू तनहा दारी। और मैं आपको बताऊं सर भी यही नहीं, हजरत कलीम का मौजजा भी तो सामने आएगा ना, हजरत कलीम का मौजजा। मैं मौजजात की तफसील में नहीं ले जाऊंगा, वाकया निगारी मकसूद ने इशारा करके आगे बढ़ूंगा। एक मौजजा, एक पत्थर पे मारा, 12 चश्मे जारी हो गए, कितना बड़ा मौजजा, कितना बड़ा मौजजा। मगर हजरत कलीम के इस मौजजे के वकार को खत्म करने के लिए, उसके वजन को कम करने के लिए, नबी की तहकीर और तकलील शान के लिए लोगों ने एक बात गढ़ दी कि भाई क्या कमाल किया हजरत कलीम ने, क्या कमाल किया। पत्थर में पानी भरा हुआ था, दरवाजे बंद थे, उन्होंने लाठी मार दिया, दरवाजा खुल गया, पानी निकल आया, क्या कमाल की बात है। मालूम होता जैसे ये गए थे देखने के लिए कि बंद था। बहरहाल लगकुसाई की गुंजाइश मिल गई, पत्थर से पानी गिरता हुआ देखा
लखकुशाई की गुंजाइश मिल गई। मगर हबीब के यहाँ पहुँचे तो आलम और है, वहाँ तो पत्थर से निकल रहा, यहाँ उंगलियों से निकल रहा। अब कोई बेवकूफ भी नहीं कहेगा कि पानी भरा हुआ था, दरवाजा बंद था, कोई नहीं कहेगा ना। और अगर कोई कह दे तो आप कब क्या लेंगे? ये तो हमारा बड़ा खराब है ना, जब नबूवत का दावा करने वाला कर गया तो इतना कह दे तो क्या होगा। कोई कह दे कि रसूल के हाथ में पानी भरा हुआ था, दरवाजे बंद थे, हुजूर ने दरवाजा खोल दिया, निकल गया, आप तो नहीं कह सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह के हट जाएंगे कि मालूम होता है कि तेरे सोचने समझने की सारी खिड़कियां बंद हैं, सोचने और समझने की सारी खिड़कियां बंद हैं, और इस बंद के खुलने की उम्मीद नहीं है कि सामने देव का पहरा बैठा हुआ है। अच्छा जनाब, हजरत कलीम को एक शरफ और था, शरफ हम कलामी क्या शरफ था, मगर सुनो, हजरत कलीम के लिए कानून था, एक करीब कुछ लेना है सूर पे आओ, कुछ सुनना है सूर पे आओ, कुछ ले तौरे लेनी है सूर पे आओ, मारूदात पेश करने है सूर पे आओ, एक करीब तुम्हारे लिए कानून। वाकई दोस्तों, हजरत करीम तालिब तौरात थे, सूर पे जाना पड़ा, तालिब का हाल यही होता। मगर सुना, हबीब के लिए कोई कानून नहीं, हबीब के लिए नहीं कहा कि हबीब कुछ सुनना है तो सूर पे आओ, ए हबीब कुछ लेना है तो हरम में आओ, ए हबीब कुछ सुनना है तो सफा मरवा पर ले आओ, ए हबीब अगर कुछ सुनना है तो बैतुल मुकद्दस आओ, ए हबीब अगर कुछ लेना है तो जबले रहमत पे आओ। नहीं, ए हबीब अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जुबान हिलाने की भी जरूरत नहीं, बस निगाह उठाओ तो किबला बदल दिया, इसी का नाम है अख्तर कमाले गोयाई, इसी का नाम है अख्तर कमाले गोयाई, फकत निगाहों निगाहों में बात हो जाए, जुबान हिलाने की भी जरूरत नहीं, जरा सा गौर तो करो। और एक बात और हमने देखी कि हजरत कलीम तालिब से खुद गए, हजरत कलीम तालिब जलवा और जलवा तालिब हबी, खुद जाने वाला गया तो कहा जूतियां उतार दो, और जब बुलाया तुमने कि मामला आया तो बुराक भेज दिया। तो हमने देखा कि हजरत कलीम तालिब तौरात थे, मगर मेरा हबीब तालिबे कुरान न था, बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, मेरा हबीब तालिबे कुरान न था। एक वाकया पेश करो कि मेरे रसूल ने कभी कुरान की तलब की हो कि अल्लाह हमें कुरान दे दे, मगर हजरत कलीम ने तो चिल्ला रखा तौलेत के लिए, चिल्ला भी रखा तौलेत के लिए। तो हजरत कलीम तालिबे तौरात थे और कुरान तालिबे हबीब था। अगर मेरा रसूल तालिबे कुरान होता तो कहीं एक जगह जाके लेना पड़ता, मगर कुरान खुद तालिबे हबीब था। हबीब मक्के में रहे तो यहाँ आया, मदीने पहुंचे तो वहां गया, सो रहे हैं तो वहां आया, जाग रहे हैं तो वहां गया, हबीब जैसे जैसे चलते कुरान की आयतें आ रही है। एक नुक्ते की बात अर्ज कर दूं कि तालिब आया तो किस शान से आया, कलाम था खुदा का, कलाम है खुदा का कुरान, मगर जब मदीने में आया तो अपने को मदनी कहता हुआ आया, और जब मक्के में आया तो अपने को मक्की कहता हुआ आया, कुछ आयतें मक्की बन गई, कुछ मदनी बन गई। महबूब, हम तेरे तालिब है, जो तेरा नाम है वही मेरा नाम पड़ जाए, जो तेरी निस्बत है वही मेरी निस्बत हो जाए, जब तू मक्के में रहे तो मैं मक्की रहूं, और जब तू मदीने में जाए तो मैं मदनी बन जाऊं।
ہمارے محمد کما تحب و ترضا بین تو صلی علی. اور ایک چیز اور ہم نے دیکھی, مختصر میں عرض کر کے آگے بڑھاؤں, میرے حضرت کلیم کا مسا یہ تھا, اے رب دکھا دے, یہی تو تھا سارا خلاصہ, اے رب دکھا دے. اور خدا کیا کر رہا ہے محبوب, دیکھ جا, دکھا دے اور دیکھ جا میں تو بڑا فرق ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضا بین تو صلی علی. خاص میں یہ تھا اور میں آیا تم معجزات کے سلسلے میں تمہیں پھر تمہارے ذہن کو لے جاؤں. حضرت یوسف کو کون فراموش کر سکتا, مگر میں واقعات کی تفصیل میں کیا جاؤں. وہ شعر مشہور جو ہر ایک کی زبان پر ہے, اس نے یوسف کے کٹیں مصر میں انگشت زنا, اس نے یوسف کے کبھی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب. اس کا ہندی کا چندی اور اردو کا اردو کر دوں. اس حسن یوسف کے کبھی یعنی حسن یوسف پر عورتوں کو نے انگلیاں کاٹی نہیں ہے, کٹ گئی حواس میں نہیں بے حواسی میں. مردوں کا معاملہ نہیں ہے, عورتوں کا معاملہ ہے. نام کی بات نہیں ہے, جمال کی بات ہے. ذرا غور کرو, وہ اس نے یوسفی کا معاملہ تھا کہ کٹی نہیں کاٹی, کٹ گئی حواس میں نہیں بے حواسی میں, مردوں کی نہیں عورتوں کی. اور یہاں جمال مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ یہاں کٹنے کا معاملہ نہیں ہے, کاٹنے کا معاملہ ہے. انگلی کا معاملہ نہیں, سر کا معاملہ ہے. عورتوں کا معاملہ نہیں, مردوں کا معاملہ ہے. بے حواسی کا معاملہ نہیں, ہو تو حواس کا معاملہ ہے. اس نے جمال سامنے آنے کی بات نہیں, صرف نام سننے کا معاملہ ہے. میرے نام پہ یہ تو نام پہ کٹا دیتے ہیں گردن, تو حسن پر کیا کیا نشانہ کر دیں گے. ارے دوستوں, عورتوں کا دیکھ کر کے عورتوں کا ہاتھ کٹ جانا اور ہے, اور بے دیکھے اویس کا دندان شہید کر دینا اور ہے. بے دیکھے حضرت اویس کا دندان شہید ہونا اور ہے. کیسا حسن ہے, کیسا جمال ہے حسن یوسف. دم عیسیٰ یدِ بیضا داری آنکھ خوبا ہما داران تو تنہا داری. اور پھر ہم پہنچے حضرت ابراہیم. بہت زیادہ گہرائی میں ہم آپ کو لے جائیں گے تو بات دوسری کرنی پڑے گی. حضرت ابراہیم پر گلقدہ آتش کدہ گلقدہ ہو گیا, کیوں ہوا؟ نور محمدی پیشانی میں نور اور نار کا مقابلہ ہوا, نار کو ہار ماننی پڑی, وہ ہار گئی. دیکھو نور کا دو ہی مقابلہ ہوا, ایک مقابلہ ہوا تھا آتش کدے سے اور ایک مقابلہ ہوا تھا لوہے سے. وہ نور جب پیشانی ابراہیم میں تھا تو آتش کدے سے معاملہ پڑا, اور جب وہ نور پیشانی اسماعیل میں آیا تو لوہے سے سابقہ پڑا. مگر چھری کا کنڈ ہونا, آتش کدے کا گلقدہ ہونا بتا رہا ہے کہ نور کا مقابلہ نہ نار کر سکتی ہے نہ آگ کر سکتی, نہ آگ کر سکتی ہے نہ لوہا کر سکتی ہے. نہ لوہا نور کو کاٹ سکتا ہے, نہ آگ نور کو جلا سکتی ہے, یہ ہمیں معلوم ہوا. ارے میاں, نور کا حال یہی ہے کہ جب ایمان والے پل سراب سے گزریں گے, ان کے نور ایمانی سے جب کی لپٹ جب پہنچے گی تو جہنم بھی پلک مارے گی. ایمان والے جلدی سے گزر جائیں, کہیں تیرا نور تیری نورانیت مجھے ٹھنڈا نہ کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد تمام لکھو اتروا بے انتو سکی آ. آپ حضرات کی ضرور شریف کا نظرانے عقیدت پہ مگر ایک بات اور یہاں پر آپ سوچیں, ٹھیک ہے, وہ لیجیے کہ حضرت ابراہیم گئے اور آتش کدہ گلقدہ ہو گیا, اسی بات کو اپنے سامنے رکھیے. تو حضرت ابراہیم خود گئے تھے نا, پوری ذات گئی, ذات گئی تو کیا معجزہ ہوا؟ آتش کدہ گلقدہ ہو گیا. معجزہ کیا ہے اس کو سمجھنا, آگ کا ٹھنڈا ہو جانا یہ معجزہ ہے. ٹھنڈا ہو کے نہ جلانا یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی, جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو جلائے گی اسے. معجزہ تو صرف اتنا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, اب جلانے کا کیا سوال. اور وہ بھی ذات ابراہیم گئی تھی. مگر دوستو, میں تمہیں تمہارے ذہن کو لے جاؤں گا. ایک صحابی رسول کے دولت قدرے پر ان کے پاس ایک رومال ہے,
उनके पास एक तौलिया है, दस्तरखान है, और उसका हाल ये है कि जब वो मैला होता है तो वो जलते हुए तनूर में डाल देते हैं और उसके बाद जब निकालते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। पूछने वाले ने पूछा, मामिला क्या? कहा, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इसने हाथ लगा दिया है, इसने हाथ पोंछ लिया है, लिहाजा अब जब मैं इसको आग में डालता हूँ तो वो जला नहीं पाती बल्कि इसको धुल देती है। देखो, यहाँ रूमाल जा रहा है, रसूल की जात नहीं जा रही है, उंगली नहीं जा रही है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जा रहा, सिर्फ रसूल की निस्बत जा रही है, सिर्फ रसूल की निस्बत जा रही है। और सुनो जी, वो आग आग है मगर जलाने की कुदरत नहीं, वो आग आग है मगर जलाने की सलाहियत नहीं है। आग ठंडी हो जाए और है, और आग रहने के बाद जला ना सके ये और, आग रहने के बाद भी जला ना सके तो और है। अच्छी तरह से समझो तो निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत का बड़ा जोर है। हौसले यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आते खुबा हमादारान तू तनहादारी उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदा मुख्तदि। ए अल्लाह के रसूल, देखो इनको हमने ऐसे ऐसे आरास्ता किया, तो आप इनकी हिदायत की पैरवी कीजिए, इनके कमालात से आरास्ता हो जाइए, इनके अनवार से मुतय्यन हो, मुनव्वर हो जाइए। ये तो रहा आयात और मौजज़ात के लिहाज से एक हल्का सा जायजा। अब और आगे चलिए, आयात और मौजज़ात के लिहाज से आगे बढ़ते हैं तो सब्र और शुक्र की बात आती है। सब्र और शुक्र की बात, बड़े बड़े सब्र वाले और शुक्र वाले गुजरे। हजरत अय्यूब का सब्र मशहूर, हजरत याकूब का सब्र मारूफ और मुताहरा, हजरत नूह भी कितने बड़े साबिर और साकिर। मगर दोस्तों, इन साबिरों की जुबान पर कुछ ना कुछ कलमात मुझे मिल रहे हैं। रब ला तज़र अला अल-अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ये हजरत नूह बोल गए। पहल का मचा दिया बद्दुआ करके, हजरत याकूब भी एक शुक्रा बोल गए। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, हम अपने दुख दर्द को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हम हमें जो कुछ अर्ज करना है, अपना मारूदा पेश करना है, खुदा की बारगाह से पेश करना है। हजरत अय्यूब भी बोल गए, तकलीफ पहुंची और तू अरहमुर रहीमीन है। तो हजरत अय्यूब अपने अंदाज से बोल गए, तो ये बोलना बेसब्री नहीं थी, ये सब वाले नजर एक शिकार निकल गया, वो तो एक महबूब था जो सब्र करता रहा मगर दुआए हलाकत नहीं दिया। वो एक महबूब था, क्या महबूब था? राह में कांटे जितने बिछाए, गाली भी पत्थर बरसाए, उस पर खिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर खिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसाफ से बताओ, कितना सब्र किया है इस सब्र करने वाले ने, कोई एक मिसाल बता दो कि कहीं पर उन्होंने कोई गर्व जुमला इस्तेमाल किया हो, कहीं बता दो कि कोई ऐसा फिक्रा इस्तेमाल किया, वाकई वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब हमने सारे आलम के लिए तुझे रहमत बना के भेजा। एक गोता था वो मैं रखूं, वैसे और तो बड़ी तशरीहें आप सुनते रहते हैं। वो गोता ये था कि भाई वो तो सही है, रसूल ने कभी दुआ हलाकत तो नहीं फरमाई, मगर एक जगह तकलीफ पहुंचाई, एक ऐसी जगह है जहां हुजूर ने तकलीफ पहुंचाई। वो कौन सी जगह? वो कंकरी फेंकी थी ना, वो काफिरों के हाथों में चली गई, तकलीफ हुई थी। ए अल्लाह के रसूल, आपने तो किसी को फूल की पत्ती से भी नहीं मारा, ये कंकरी से मार दी ना, मुअर्रिख क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, ये कैसे रहमत लिलाल में, ये तो काफिरों के लिए भी रहमत थे ना, तो कैसे रसूल को नुकसान पहुंचाते। मैं इंतहा की बात बताऊ, ऐसी रहमत कैसी रहमत की मिसाल नहीं मिलेगी। तमाम गजवात में शरीक और वो भी कमांडर इन चीफ की हैसियत से। मगर बताओ, किसी की गर्दन पर रसूल के हाथ की तलवार चली, किसी के सीने को रसूल का नेजा लगा,
इसी के बदन पे कोई रसूल का फिक्र गया, इतनी एहतियात से कमांडरी हो रही कि रहमत में फर्क ना आए। मगर दोस्तों सोचने की बात सिर्फ इस कदर है कि एक वक्त तो आ गया ना, संकरी फेंकी थी तो आंखों में पहुंची थी। जब आंखों में कंकरी पहुंची तो अब जाहिर है कि तकलीफ होगी ना। तो मैंने कहा है अल्लाह के रसूल, आपकी सीरत तैयबा में ये वाकया अजीब है। हुजूर अगर ये भी वाकया ना होता तो रहमत को किसी गोशे से कोई मजरूह नहीं कह सकता। निहा भी मैं ये कह ही नहीं सका था कि एक लाहूती आवाज सुनाई दे। महबूब ये तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। करना जिसे मुझसे करे, ये रसूल ने थोड़ी फेंका, ये तो मैंने फेंका, मैंने फेंका है। मतलब ये हुआ कि रसूल की हैसियत शमशीर इलाही की है, रसूल की हैसियत शमशीर इलाही की है। वो खुद से नहीं चलते, जब चलाने वाला चलाता है तो चलते हैं, जब बुलाने वाला बुलाता है तो बोलते हैं। उनका मामला इसीलिए देखो, अगर आप किसी को कत्ल कर दें, तलवार से कत्ल कर दें, और जाकर अदालत में कि मैंने थोड़ी कत्ल किया, तलवार ने किया, अब उसी को सूली दे दो। मैंने कहा मारा, बंदूक ने मारा, मैंने थोड़ी मारा, वो तो तीर ने मारा, कमान ने मारा। मगर नहीं दोस्तों, देखा जाएगा किसके हाथ में है, चलाने वाला वही है। तो अल्लाह के रसूल ने, मैं अपनी गुफ्ताब, अपनी रफ्तार हर मामले में उधर के इशारे को देखता हूँ। वो चलाता है तो चलता हूँ, वो सुलाता है तो सोता हूँ, वो जगाता है तो जागता है, वो खिलाता है तो खाता हूँ, वो बिठाता है तो बिठाता हूँ, वो बुलाता है तो बोलता हूँ। माँ यम तकवानी हवा इन हवा इल्ला वही जूहा, जो कुछ मैं बोलता हूँ ये उसी का इरशाद है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, बता दिया कि मेरे रसूल की रहमत ऐसी कि एक शुकरा भी गरम नहीं इस्तेमाल किया। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मजमून को मुकम्मल करने के लिए बस दो तीन मिनट के अंदर मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि सब्र शुक्र की बात है, जोहद की बात आई थी, इरादा दुनिया की बात आई थी, तो मेरे रसूल के जोहद को मैं क्या समझाऊँ। देखो शहनशाह कौनैन है, ताजदारे कायनात है, मगर बेरहमती का आलम यह है कि चटाइयों पर बैठे हुए हैं, कमली को ओढ़े हुए हैं। और इरादा इस दुनिया की मिसाल अगर तुम्हें लेना है तो सुन लो कि मेरे रसूल ने जिस बात हमसे पर्दा पोशी का इरादा किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ इरादा किया कि रसूल अपने ही इरादे से जाता। हजरत मलकुल मौत में जुरत नहीं है कि रसूल के इतने के बगैर रसूल की रूह निकालने, जरूरत नहीं है। तो रसूल जब जाएगा तो अपने इरादे से जाएगा। तो जब मेरे रसूल ने अपने इरादे से जाना मंजूर कर लिया, जाना मंजूर कर लिया, तो उस बात जिस दिन हुजूर ने विसाल फरमाया, रात को घर में जलाने के लिए तेल भी न था। दुनिया का हार है। और दोस्तों तबलीग इस्लाह का आलम यह था, इरशाद हिदायत का आलम यह था कि मैं क्या डिग्री दूं, जिसने भेजा था वही कह रहा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए महबूब, तुम्हें कुछ बोलने के लिए नहीं, तकमील की सनद मैं खुद ही दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तहिब्बु वतरबी अन तुसल्ली अलैह। और दोस्तों जब ये आयत नाजिल हुई थी तो सिद्दीक अकबर रो पड़े थे। लोगों ने कहा हुजूर ये रोने का वक्त तो नहीं है, ये तो बड़े खुशी की बात है, दीन मुकम्मल हो गया है, दीन कामिल हो गया है, खुशखबरी मिल रही है, रोने की बात नहीं है। मगर उन्होंने सुनो, इस आयत में तो नबी के विसाल की बू आ रही है, नबी के विसाल की बू आ रही है। जब दीन मुकम्मल हो गया है तो अब इस नबी के यहाँ रहने की जरूरत ही क्या रह गई है, उसके बाद रब तबारक व तआला इसे बुला लेगा। इसलिए मैं जुदाई के ख्याल से रो रहा हूँ, हिजर के तसव्वुर से रो रहा हूँ। वाकई अहले मोहब्बत से पूछो एक बात, मैं जरा सा अबजद हव्वत के हिसाब से बताऊं मैं, और इस नुक्ते को ध्यान में रखो, हुब्बे मोहम्मद ईमान और हिजरे मोहम्मद को रसूल को छोड़ देना को और रसूल की मोहब्बत ईमान। और ये बात नहीं है, आप जरा सा अबजद के उसूल से अब गौर करें, हुब्बे मोहम्मद के कितने अदद हैं, मोहम्मद के अदद कितने हैं, 92, और हुब के अदद
एक आठ देगा दो कितना हुआ 102 और ईमान का कितना अदद है अलिफ का 1 ये का 10 कितना हुआ मीम का 40 और फिर उसके बाद अलिफ का 1 और नून का 50 102 ईमान का जो अदद है वही हुब्बे मोहम्मद का अदद है हुब्बे मोहम्मदी ईमान है हुब्बे मोहम्मदी ईमान है ये हुब गया ईमान गया और हिजरे मोहम्मद मोहम्मद के तो 92 और हिजर के कितने रे का 200 हे का 5 और जीम का 3 कितना हुआ 208 और 92 उसमें और जोड़ दीजिए रियाली में कमजोर है और कुफ्र का सुन लो काफ का भी रे का 80 रे का 2 नहीं रे का 200 कितना हुआ 300 कुफ्र का 300 हिजरे मोहम्मद का भी 300 मोहम्मद को छोड़ो तो कुफ और उनको ले लो तो ईमान लगता है तुमसे